हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने देखे थे कुछ स्कोर कार्ड्स जिसमें हमने ये देखा कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। किसी के 50 नंबर हैं या 110 नंबर हैं तो वो माइनस में 100 हो गए, या किसी के 50 हैं तो माइनस 400 हो गए, और किसी के 190 हैं तो 214 हो गए। तो ये जो वेरिएशन इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की वजह से आ रहा है, ये आ क्यों रहा है, इस पे इस वीडियो में बात करेंगे। और हम एंड में ये भी जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या तरीका हम ऐसा करें जिससे कि ये जो दिक्कत है ये सॉल्व हो सकती है हमारी। तो जरा इसको देखते हैं। तो आपने ये सारे स्कोर कार्ड्स पहले ही देख रखे हैं। हम बात करेंगे आपकी इस नोटिस के बारे में। ये नोटिस क्या है? ये बेसिकली एसएससी के द्वारा जारी किया गया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो कि एसएससी के द्वारा जारी किया गया था 7 फरवरी 2019 को, और ये भी एसएससी से लड़ाई के बाद जारी किया गया था। कई बच्चों ने कोर्ट केस वगैरह किया उसके बाद हुआ था। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटा दो। तो नॉर्मलाइजेशन हटाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है उसको हम बात करेंगे एंड में। नॉर्मलाइजेशन हटाना सॉल्यूशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन और क्यों सही है, नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। नॉर्मलाइजेशन होना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, पहले नहीं होता था। तो पहले ऐसा होता था कि एक शिफ्ट वाले बच्चे के 110 नंबर आ गए, दूसरी शिफ्ट में ज्यादातर बच्चों के 190 आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं, तो 110 वाले रो रहे हैं, तो वो दिक्कत थी। अभी क्या होता है, एटलीस्ट वो उनको बराबर कर दिया जाता है, तो वो चीज ठीक होती है। खैर, हम सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, यहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन व्हिच आर कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स टू टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर अक्रॉस वेरियस शिफ्ट्स। कहना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि एसएससी ने डिसाइड किया है कि एसएससी के होने वाले हर एग्जामिनेशन में, जिसमें भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, उसमें ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे जिससे कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है वो एक की जा सके। ठीक है, ये अच्छा स्टेप था, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यहां पर देखिए, कहते हैं द नॉर्मलाइजेशन इज डन बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अजम्पशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको ध्यान से पढ़िए। बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अजम्पशन इन ऑल मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स इज द सेम अक्रॉस ऑल द शिफ्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स इज सेम अक्रॉस ऑल द शिफ्ट। वो ये कह रहे हैं कि हर शिफ्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स है वो बराबर होगा और एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट भी बराबर होगा, ये मान के चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी की शिफ्ट में बहुत होशियार कैंडिडेट्स बैठा दिए हैं, बहुत किसी ने बहुत ही खराब कैंडिडेट बैठा, ऐसा नहीं होता। वो लगभग लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी सारा बराबर रखेंगे और एबिलिटीज भी उनकी बराबर मान के चलते हैं। दिस अजम्पशन इज जस्टिफाइड सिंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अब इसको भी समझिए, अपियरिंग इन मल्टीपल शिफ्ट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एग्जामिनेशन इज लार्ज एंड द प्रोसीजर फॉर एलोकेशन इज रैंडम। वो ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलोकेट स्टूडेंट्स एलोकेट किए जाते हैं पर शिफ्ट में वो बहुत रैंडम होता है, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज। लार्ज कहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये माना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत लार्ज है। अब जरा फॉर्मूला देखते हैं, ये इनका फॉर्मूला है। इसमें दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो ये हैं आपके, एक ये है और ये है। ये कहता है कि इट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी राउंडेड अप। और एमटीआई कहता है इट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स इन द आईथ शिफ्ट। ठीक है, देखो, नॉर्मलाइजेशन तब तक बहुत अच्छा है जब तक कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज लार्ज। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही लार्ज नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अब जरा देखते हैं, एक बारी टीयर वन के एग्जामिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो जरा, इनके टीयर वन के शिफ्ट में कितने बच्चे बैठते हैं इस पे जरा देखिएगा। टीयर वन में जब 3 मार्च को पेपर हुआ 2020 में, तो इनके जो टीयर वन में बच्चे बैठे थे पहले दिन, वो पेपर शेड्यूल हुआ था इनका 13,08,086 बच्चे, 1,38,000 बच्चों का पहले दिन पहले शिफ्ट में, 1,36,000 का दूसरी शिफ्ट में, 1,37,000 का तीसरी शिफ्ट में। तो यानी कि आप ये मान के चलो 1,00,000 कैंडिडेट्स करीब, ये मान के चलो 1,30,000 कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में बैठ रहा है। 1,30,000 कैंडिडेट अगर एक शिफ्ट में बैठ रहा है तो इनका जो 0.1% है वो एक वो हो जाएगा आपका 130। ठीक है, 130 नंबर इस कैंडिडेट्स हो जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज मान के चले, 4 तारीख को इन्होंने 1,38,000 आप ये देख सकते हो, 5 तारीख को भी 1,38,000 1,37,000 1,34,000, अच्छी बात है, बराबर कैंडिडेट्स बैठा रहे हैं, 1,32,000 1,39,000 1,25,000
ठीक है, 7 तारीख को 1,04,000, 99,000, 96,000, यहां पर फिर 91,000 और यहां पर आपके 81,000 ही बैठा रहे हैं, यहां 75,000 बैठा रहे हैं और टोटल इन्होंने 2,17,000 कैंडिडेट्स का पेपर लिया है। अब ये समझिए जो प्रॉब्लम आती है नॉर्मलाइजेशन में वो कब आती है, यहां पर ये लोग 1,38,000 बैठा रहे थे, यहां 1,38,000 बैठा रहे थे, यहां 1,38,000 बैठा रहे थे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहां 1,32,000, 1,29,000 ये भी ठीक है, इतने में कोई 4-5,000 से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं तो। लेकिन जब आप 1,00,000 से कहां था 1,30,000, 1,00,000 और आप आ जाते हैं 96,000 पे, फिर 75,000 तक आ जाते हैं आप, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन जब तक बराबर नहीं करेंगे तो वो जो 0.1% का एवरेज है वो अच्छा कैसे, वो लगभग एक जैसा कैसे निकलेगा। तो एक तो वो समस्या है जैसे कि टीयर वन में, अब मैं टीयर वन की बात क्यों कर रहा था उस पर जरा कर लेते हैं, ये भी गलत है कि यहां पर 81,000 कैंडिडेट्स बिठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, दैट इज फ्लॉड, क्योंकि आप लगभग डबल कैंडिडेट्स बिठा रहे हो, आप पहले दिन और फिर आप 81,000 कैंडिडेट्स बिठा रहे हो, तो यहां पर उनका एवरेज आउट कम हो जाएगा, इसको समझिए। अब देखो यहां पर टीयर वन में ये 1,38,000 कैंडिडेट्स बिठाते हैं, लेकिन भैया जब आप टीयर टू करा रहे हो तो आपको ऐसी क्या दिक्कत हो रही है कि आप जब एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में 1,38,000 बच्चों का पेपर करवा सकते हो, तो यहां पर आप 36,000 बच्चों का क्यों पेपर करवा रहे हो, इसका कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कोविड था, कोविड की वजह से मैं मानता हूं कि थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आप आधे कैंडिडेट्स करा लो, आधे का मतलब हो जाता है कि 1,00,000 अगर 38,000 आप करवाते हो, 1,40,000 तक की आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप कम से कम 75,000 तो एक दिन में करवा सकते हो ना। अगर आप 75,000 के कैंडिडेट्स का पेपर एक दिन करवा लेते तो दो शिफ्ट में पेपर खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, हम क्यों करवाएंगे, आप 36,000 का पेपर करवाते हैं शिफ्ट वन में, शिफ्ट वन में 16 तारीख को आप 60,000 बच्चों का पेपर कराते हैं। अब समझिए यहां आप 36,000 करवा रहे हैं, 16 तारीख को आप 59,000 कैंडिडेट्स, लगभग लगभग 60,000 कैंडिडेट्स का करवाते हैं, और 18 तारीख को, 17 को ये पेपर ए डबल ए और जेएसओ का था तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 18 को आप वहीं पे 30,000 कैंडिडेट्स का पेपर कराते हैं। अब जब आप 36,000 में से जब 26,000 बैठेंगे और 26,000 का जब 0.1% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 26। यहां पर जब आप 44,000 कैंडिडेट्स बैठेंगे, आप ये समझिए जब एक जगह पर 36,000 कैंडिडेट्स बैठेंगे और 36,000 का 0.1% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 36। 60,000 कैंडिडेट्स बिठाओगे तो 60,000 में 0.1% कितना निकलेगा, 60। यहां पर 0.1% कितना निकलेगा, 30। तो जब भैया तुम 0.1% की बात कर रहे हैं, यहां पर आप लिखते हो कि मैं ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ द 0.1% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, तो सभी मतलब हो गए आपने लगभग लगभग, यहां पर इन्होंने टोटल पेपर लिया है 1,98,000, यानी कि 2,78,000, यानी कि 278, हम 280 मान लेते हैं मोटा मोटी, तो 280 कैंडिडेट्स की बात यहां करते हो आप ओवरऑल। और आप जब आईएथ शिफ्ट की बात करते हो तो पहले दिन 36 बच्चों का 0.1% का एवरेज ले रहे हो, दूसरे दिन 60 बच्चों का एवरेज ले रहे हो, तीसरे दिन 30 बच्चों का एवरेज ले रहे हो, तो ये कैसे जस्टिफाइड है भाई। अगर आप मान लीजिए मैं क्लास में सिर्फ 10 बच्चों का टेस्ट लूं तो उनका एवरेज अच्छा आ सकता है, अगर वहीं पर मैं 100 बच्चों का टेस्ट लूं तो वो एवरेज खराब हो जाएगा ना, तो ये चीज कैसे जस्टिफाइड है। एक तो ये रीजन है इनके गलत फॉर्मूले में, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, मेन दिक्कत ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल बिठाइए, वो गलती हो रही है। दूसरी चीज है कि वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल, तो वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन होगा तो ठीक है, कि भैया मान लो आप 15 तारीख वाला पेपर है, इसमें एवरेज बच्चों का मार्क्स आते हैं 130, 16 में जब पेपर होता है तो एवरेज मार्क्स आ जाते हैं मान लीजिए 140 या 150 तक आ जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन 16 जब 18 तारीख का पेपर होता है वहीं पर एवरेज मार्क्स आते हैं 180, तो ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है कि यहां पर आप एवरेज 180 निकालते हो और 15-16 को आप एवरेज 130 भी नहीं, यहां आता 110 क्योंकि ये डिफिकल्ट पेपर थे, यहां पर एवरेज आता है 120 और यहां पर अचानक से 180 चला जाता है, मतलब लाइन से बच्चों के 200 नंबर आए, 180 190 एवरेज चला जाएगा 18 तारीख के पेपर में, मतलब इट इज ट्रू दैट बहुत सारे बच्चों के, मतलब हर एवरेज कैंडिडेट के 190 स्कोर आ गया है, और जिन्होंने 190 नहीं कर पाए, जिन्होंने थोड़ी सी कमी रह गई, जिनकी गलती से भी 150-60 की कैंडिडेट की रेस में रह गए, वो माइनस में चले गए, तो उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना कि अगर वो 150-60 में, मैं नहीं कहता हूं उसको सिलेक्शन हो जाता, सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, आप फेयर रिजल्ट तो पब्लिश कीजिए पहले, जब आप फेयर रिजल्ट पब्लिश करोगे तब तो वो सिलेक्शन के बारे में सोचेगा, अगर वो
मैं कहता हूं वो लड़का पीएच कैंडिडेट होता, अगर वो लड़का पीएच कैंडिडेट है तो क्या करेंगे आप? नॉर्मलाइजेशन तो आप सबका साथ में कर दे रहे हैं, उनकी कट ऑफ अलग निकाल रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो लगभग साथ हो रहा है सबका। अगर कोई कैंडिडेट एसटी होगा तो आप क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम वहां आ रही है। प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, एक तो है कि ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर शिफ्ट में बराबर नहीं बिठा रहे हैं, यहां 36,000 यहां 60,000 30,000। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप वाइड गैप कर देंगे ना, कि एक पेपर है एकदम टॉप लेवल का कि वहां पर बच्चों के 100 नंबर मुश्किल से नहीं आ रहे हैं, और दूसरा पेपर है इतना गिरा हुआ कि उसमें 200 में 200 सबके आ रहे हैं, तो जब आप इतना बड़ा गैप करोगे तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके का होगा ही होगा। और मैं फिर कहूंगा, इस सब के बावजूद आई विल से कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये माइनस में इतने नंबर कैसे हो सकते हैं, तो मेरे पास इसका अभी तक सच में कोई जवाब नहीं है कि इतना ज्यादा फ्लॉड नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है। दोस्तों मैं बहुत सारे टीचर्स में देख रहा हूँ कि दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस नॉर्मलाइजेशन, दे आर ट्राइंग कि नहीं ऐसा नहीं है, आप अगर कोई लड़का 110 ला रहा है 18, मैं एक टीचर की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 18 नवंबर की शिफ्ट में अगर एक लड़का 110 ला रहा है तो वो रेस में है ही नहीं। सर सर मैं मानता हूँ वो लड़का रेस में नहीं है, मैंने पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि उस 110 वाले लड़के के माइनस 200 नंबर हो जाएंगे? अगर वो लड़का 15-16 को बैठता और सारे सवाल गलत करके आता तब भी तो माइनस 50 ही होगा ना, माइनस 100 कैसे हो जाएगा आप मुझे ये बताइए। और क्या वो लड़का अगर 18 नवंबर को 110 ला रहा है तो 15-16 को क्या वो 50-60 नंबर भी लेकर नहीं आता? आता ना तब तो ये कैसे जस्टिफाइड है? दिस नॉर्मलाइजेशन इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल एंड दिस इज रॉन्ग अप टू सो मैनी लेवल्स। ये गलत है नॉर्मलाइजेशन, बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ आप ग्रीवेंसेस डालिए, आप एसएससी में आरटीआईज लगाइए, जितने भी पीएमओ में ग्रीवेंसेस लगाइए, इस नॉर्मलाइजेशन के लिए आवाज उठाइए, अदरवाइज ये गलत है, क्योंकि ये गलत है और ये आगे भी देखो अभी क्या होगा कि जिन बच्चों के अच्छा स्कोर हुआ है उन्हें लगेगा कि देखो सही हो गया, हमारे साथ तो अच्छा हुआ है कि भाई 190 था 200 पार चले गए, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है भी, लेकिन ये गलत है कि अगर किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है तो वो चीज गलत है और ये चीज आगे के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग ग्रीवेंसेस तो एटलीस्ट डालिए ही, और अपनी एसएससी में पीजी पोर्टल पर ग्रीवेंसेस फाइल करिए और उसमें बताइए कि इस तरीके का जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज है कि अब बात कर लेते हैं जरा सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन इसका क्या है? इसके दो सॉल्यूशन है। एक तो ये सॉल्यूशन है कि भैया टीयर टू जब आप करवाइए, आपकी कैपेबिलिटी है, आप 140,000 बच्चों का कैंडिडेट्स का पेपर टीयर वन में करवा लेते हैं तो आप टीयर टू में भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज है टीयर टू के लिए 198,000 कैंडिडेट चूज करने का कोई सेंस नहीं है, 278,000 का पेपर बुलाने की कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि इतनी वैकेंसी आपके पास है नहीं। आप 1.5 लाख कैंडिडेट बुलाइए, 1.5 लाख कैंडिडेट्स का पेपर टीयर टू में एक दिन में करवाइए, ये सारी के सारी फसाद खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक दिन पेपर होगा, नो नॉर्मलाइजेशन, जो सबने दिया है सबका एक जैसा पेपर है, कहानी वहीं खत्म हो जाती है। टीयर वन में नॉर्मलाइजेशन आप ठीक कर ही रहे हैं, उसको करते रहिए। हाँ, दूसरी चीज है कि लेस वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल। आप डिफिकल्टी लेवल में ईरान और तेहरान जैसा डिफरेंस मत करिए कि एक पेपर में बच्चों के आ रहे हैं 100 नंबर नहीं आ रहे, दूसरे पेपर में 200 में 200 की झड़ी लगी है। अगर इस तरीके का वेरिएशन आप करोगे तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन इस तरीके का फ्लॉट दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको दो सॉल्यूशन है इसके, एक सॉल्यूशन ये है कि टीयर टू एक शिफ्ट में किया जाए और दूसरा सॉल्यूशन है कि आप डिफिकल्टी लेवल को सेम रखिए। इस चीज को लेकर आप ग्रीवेंसेस फाइल करिए और एसएससी से रिक्वेस्ट करिए कि ऐसी चीजें आगे के लिए ना, ठीक है? तो और बाकी डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एग्जाम बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने अभी मार्क्स दे दिए हैं तो ये मान के चलेंगे कि अगस्त में ये डीवी कंडक्ट करा लेंगे और सितंबर या अक्टूबर या नवंबर तक ये रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो एग्जाम प्रोसेस स्मूथ चलना चाहिए जैसा कि चल रहा है। तो इस वीडियो के लिए में हमने बात करी नॉर्मलाइजेशन के बारे में, इस तरीके के सारे एस्पेक्ट की बात करी कि नॉर्मलाइजेशन से स्कोर इतना वेरी क्यों कर रहा है। और दोस्तों कट ऑफ का भी यही कारण है, इतना हाई कट ऑफ का कारण भी यही है कि भैया जब नॉर्मलाइजेशन से जिस बच्चे के 190 हैं वो 214 नंबर ले आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल कट ऑफ जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको दिखती है, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे समझ लो, अगर आपके मान लीजिए किसी लड़के के टीयर वन में 150 थे और वो बढ़ के 185 हो गए, जो कि हुए हैं कट ऑफ में, आप लोगों ने देखा ही है, जैसे कि आप इसी बच्चे के देख लो, हम किसी और की बात नहीं कर लेते, इसको देखते हैं। इसके देखो 153 मार्क्स थे, ये बढ़ के 164 हो गए। मैथ्स में इसके 194 थे और ये बढ़ के 214 हो गए।
इंग्लिश में 177 थे और ये बढ़ के 180 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर टीयर थ्री में 60 नंबर यहाँ थे और 60 नंबर थे। तो जब आप जरा 153 प्लस 194 प्लस 177 करते हैं तो आपको 153 प्लस 194 प्लस 177 प्लस आप 60 करते हैं तो ये आपको 584 मिलता है। और वहीं पर अगर आप 164 प्लस 214 प्लस 180 प्लस 60 करते हैं तो ये आपको तो ये आपको 618 मिलता है। तो अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि जिस कैंडिडेट के 584 नंबर होने चाहिए थे वो 618 दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जो कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ गई है वो इसीलिए बढ़ी है कि लोगों के, मान लीजिए टीयर वन में किसी के 20 नंबर बढ़ गए, यहाँ पर 20 22 25 नंबर बढ़ गए, यहाँ पर 8-10 नंबर बढ़ गए, तो वो यही कारण है आपका इतना हाई कट ऑफ का। दूसरी चीज़ एक बात और समझिए कि जो डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन देखो दो हुआ है वो मैथ्स के में हुआ है, इसीलिए यहां देखिए 194 से 214 होते हैं लेकिन इंग्लिश में 177 से 180 नहीं, 180 ही हो रहे हैं, यहां सिर्फ 3 नंबर बढ़ रहे हैं। इंग्लिश में किसी के भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आप देखो इंग्लिश में 150 से 155 ही हो रहे हैं, इसके साथ मैथ्स में अन्याय हुआ, -56 हो गया, लेकिन इंग्लिश में 150 से 155 ही हो रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ 5 नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल सेम था। यहां देखिए 130 से 110 -110 हो गया लेकिन इंग्लिश में देखिए 125 से 131 हो गया। तो आप ये देखिए इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस कम था तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहां देखिए 142 से 202 हो गया, ठीक है 60 नंबर बढ़ गया, लेकिन 153 से 148 हुआ, सिर्फ 3 नंबर 4-5 नंबर कम हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखिए यहां 185 से सिर्फ 188 होता है, मैथ्स में कम हो रहा है लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इतना ही हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां 152 से 157 हो रहा है, मैथ्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक। इंग्लिश में देखिए 141 से 146 हो रहा है, ठीक। यहाँ देखिए 91 से 99 हो रहा है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो मेन समस्या है वो है वेरिएशन इन द डिफिकल्टी लेवल्स। तो अगर ये वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल कम कर देंगे तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी ऑलमोस्ट, और टीयर टू को एक शिफ्ट में कर देंगे तो सोने पर सुहागा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपने अच्छे से देख लिया कि मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल में इतना वाइड गैप है इस वजह से बहुत डिफरेंस आ रहा है, और इंग्लिश में नहीं है, वहीं पर सारी चीजें सॉर्टेड है। तो मेन दिक्कत जो मैथ्स का पेपर गंदा आया है उसने करी है। तो सो मेरे अन अकेडमी पर कोर्सेज चल रहे हैं, पैरा जनरल क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है 1 जुलाई से 8 बजे होता है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव और नरेशन का बैच है 23 जुलाई से 8 बजे शुरू होगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का बैच शुरू होने वाला है 15 जुलाई से, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली फ्री क्लास होती है हमारी 5 बजे, आप इसे भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन का में दिया है। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आप इन सभी में एनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर ऑफर भी चल रहा है, आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ 5850 में ले सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद में। 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, मतलब 3 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7000 रुपये में। और बैंक और SSC का सब्सक्रिप्शन जो है 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एक्स्ट्रा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि सिर्फ 10,000 रुपये में और 8,000 रुपये में आप ले सकते हैं। तो ये रेफरल कोड यूज़ करके आप ये सारे सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, इसमें हमने सारी बात करी कि क्यों इतना कट ऑफ उल्टा सीधा हुआ है, क्यों इसने इतना डिफरेंस क्रिएट किया है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।